प्रचंड है, बल है बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, राष्ट्र की है ये पुकार, अब की बार किसकी सरकार। दी जा रही थी आपके अपने मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके आए थे, क्योंकि उनका विजन अलग है, उनका मिशन अलग है। उन्होंने लखनऊ में राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय खुलवाया, राम मनोहर लोहिया अस्पताल खुलवाया जहां मुफ्त में दवाई होती है। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में नाम मात्र फीस है और आप क्लेट क्वालिफाइड करके जाते हैं, सरकार के द्वारा इंडिया के टॉप 10 में पढ़ाई होती है। और वो युवा मुख्यमंत्री हैं, वो युवा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लखनऊ में युवाओं के लिए, हम देखते हैं युवा स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव रहता है, क्रिकेट खेलता है, और उन्होंने युवाओं के लिए इकोना स्टेडियम खुलवा दिया। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ डॉक्टर एसपी सिंह पटेल को आप सांसद बना के लाएंगे, क्योंकि हम शिक्षण संस्थानों से जुड़े हैं, हमारे कॉलेज हैं। मैंने विधान परिषद में भी आप सबके लिए काम किया था, विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों के लिए मैंने 200 करोड़ का बजट पास कराया था, और जो शिक्षा मित्र थे समान मानदेय समान शिक्षक, उनके लिए मैंने समान शिक्षक के लिए 200 करोड़ का पास कराया था। शिक्षा मित्रों के लिए 2017 तक हमारी सरकार थी, उसके बाद सरकार गिरी तो शिक्षा मित्रों को सड़क पर उठा के फेंक दिया गया, और मैं उस टाइम हाउस में थी, मैंने हाउस में क्वेश्चन उठाए, मैं उनके मुद्दों के लिए डटी रही, तब शिक्षा मित्रों को 10,000 मात्र मान दे दिया गया। मैंने आशा बहुओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती महिलाओं का मानदेय बढ़ाने का काम किया। जब आपका पढ़ा लिखा विद्वान आपका सांसद होगा तभी संसद में दहाड़ेगा भैया। और ये सांसद डॉक्टर एसपी सिंह पटेल बहुत पढ़े लिखे एमएससी डबल पीएचडी हैं और दो दो बार एमएलसी रह चुके हैं, जो 20-20 कॉलेज चला रहे हैं। 10,000 का हमारा परिवार था, अब मैं आपका, अब मैं अपने बड़े परिवार को देखकर बहुत खुश होती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है रंजीतपुर चिलबिला में आपका अपना घर है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ वो खाली आपका हमारा ही नहीं, वो आप सबका घर है। आप मेरे पीछे का जो आप देख रहे हैं ये जोश जुनून, ये युवाओं का जो जोश देख रहे हैं, ये डॉक्टर एसपी सिंह पटेल जी की रैली का है। और आप पीछे देख पा रहे हैं माननीय कांति सिंह जी आई हुई है, वो अपने समर्थकों के साथ में, देखिए सबको साइकिल का ये पट्टा डाल रही हैं, और उसके बाद वो अपने समर्थकों के बीच में हैं, लगातार जनसंपर्क में हैं। उसका एक रिजल्ट ये मिल रहा है कि लोग के घर घर तक पहुंच रहे हैं, और साइकिल की जो रफ्तार है वो लगातार तेज होती जा रही है। तो कितनी तेज हुई है ये चीज जानने जाएंगे, और ये चीज हम जानने के लिए मैम के पास जा रहे हैं और उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इस समय साइकिल किस रफ्तार में पहुंची है। मैम, जैसा लगातार जनसंपर्क आप कर रहे हैं फिर भी आपके चेहरे पर थकावट नहीं दिख रही है, लगातार आप उस चीज को महसूस कर रहे हैं। मैं आज एक बात ये कहना चाहूंगा कि आपने अखिलेश जी के कुछ कामों को गिनाया था, फिर से याद दिला रहे हैं उनके कामों को, फिर से क्या क्या काम? अखिलेश भैया ने बहुत सारे काम किए, क्योंकि वो युवा मुख्यमंत्री रहे हैं तो युवा और पढ़ा लिखा विद्वान पुरुष विकास पुरुष, उनकी सोच ही ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश को कैसे डेवलप किया जाए। उन्होंने युवाओं के लिए इकोना स्टेडियम बनवाया, क्योंकि फिजिकल हेल्थ के लिए और जॉब के लिए और क्रिकेट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। और उन्होंने राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, आज तक बताइए 2017 के बाद कोई विश्वविद्यालय कोई खुला नहीं है, और विश्वविद्यालय ऐसा जो इंडिया में टॉप 10 में नंबर पर है, वहां से एलएलबी करने के बाद जहां मुफ्त पढ़ाई होती है, हॉस्टल की व्यवस्था है, इवन हमारा भी बेटा वहीं से क्लैट क्वालिफाइड करके आया है, वो टेस्ट है क्लैट, तो क्लैट क्वालिफाइड करने के बाद वहाँ पर नॉमिनल फीस पर वहाँ पर बच्चों का एडमिशन होता है, और 5 साल का कोर्स और 3 साल का कोर्स पढ़ने के बाद बच्चे सीधे वकील बन जाते हैं। जी बिल्कुल। हाँ। अब मैं जैसा कि आपसे एक चीज और आश्वस्त होना चाहूंगा, आपने बताया कि इकोना स्टेडियम बना
उत्तर प्रदेश में लखनऊ का नाम बढ़ गया, तो क्या यहाँ की जनता को भी आपकी जीत के बाद कोई मिनी स्टेडियम मिले जिसमें युवाओं का थोड़ा सा एक्टिविटी हो और लोग खेल के प्रति बढ़ावा मिले? वहाँ तो है, और यहाँ आप सांसद बना के लाएंगे आपके चैनल के लाइव चैनल के माध्यम से, आप सांसद बना के लाएंगे, मेरी बात पहुँचेगी तो जरूर चाहूँगी डॉक्टर एसपी सिंह पटेल यहाँ संस्था भी खुलवाएंगे और स्टेडियम भी युवाओं के लिए खुलवाने का काम करेंगे। बिल्कुल, इनकी बात पे ताली तो होनी चाहिए। एक खबर और निकल के आ रही है मैम कि अब यहाँ के बाहुबली माननीय रघुराज प्रताप सिंह जी भी समर्थन दे दिए हैं, क्या इसमें कितनी सत्यता है और किस चीज इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? मुझे बेहद खुशी होती है, यहाँ प्रतापगढ़ के हर पार्टी के लोग, हर समाज, हर वर्ग के लोग, और चाहे वो रघुराज प्रताप हो, चाहे वो कोई भी भाई हो, हम शिक्षा के क्षेत्र से हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज के विकास के लिए आए हैं, प्रतापगढ़ के विकास के लिए आए हैं, वो सब लोग जानते हैं डॉक्टर एसपी सिंह पटेल पढ़े लिखे विकास पुरुष, विद्वान पुरुष हैं, शिक्षाविद हैं, और मैं कांति सिंह 30 सालों से शिक्षण संस्थाओं में सेवा कर रही हूँ, सामाजिक कार्यों को कर रही हूँ, इसलिए प्रतापगढ़ की हर लोग हमारे साथ हैं, इसका मैं मुझे बेहद खुशी है। बिल्कुल, यहाँ के आयोजक जो थे, यहाँ के आयोजक जो थे आज के, कौन है यहाँ के आयोजक जो थे? शेर सरोजी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। शेर सरोजी, युवा आप है, आपने इतनी अच्छी भीड़ इकट्ठी की, लोग आए, ये जाहिर है कि इनके नीतियों को देखकर आए होंगे, क्या लगता है आपका बूथ कैसा है? हमारा बूथ बहुत अच्छा है और पूरी ब्लॉक सणवा चंदिका से हम बहुत अच्छे ऊंट से इनको जिता के भेजेंगे, हर बूथ से जिता के भेजेंगे, और पूरा प्रयास रहेगा, और पूरे दिन हम लगातार जितने हमारे कार्यकर्ता हैं तहे दिल से सब वोटरों से जाके कहेंगे कि बूढ़ बुजुर्ग को अपने मोटरसाइकिल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप वोटिंग कराने के लिए। जी जी जी, बिल्कुल होना भी चाहिए। मैं बुजुर्गों से बात कर लेता हूँ, क्या लगता है इस बार का प्रतापगढ़ कैसा होने वाला है? बढ़िया रहेगा, यहाँ का बूथ, यहाँ का बूथ भी बढ़िया रहेगा और आपके प्रत्याशी भी तो बढ़िया है। जी जी, क्यों दादा, प्रत्याशी के बारे में क्या? वन नंबर प्रत्याशी, वन नंबर प्रत्याशी, वन नंबर। हमारे जो वर्तमान प्रत्याशी प्रतापगढ़ के लोकसभा सीट से आए हुए हैं शिवपाल सिंह पटेल, निरंतर 1 वर्षों से लगातार इस प्रतापगढ़ की धरती को चूम रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वोटरों से मिल रहे हैं, उनकी सरलता, नम्रता, विद्वता, ये सारे बिरादरी को भा गई है। यहाँ तक मैं ब्राह्मण बिरादरी से हूँ, पहाड़पुर मेरा घर है, राम सचिवन तिवारी, BDC पहाड़पुर, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जितने भी ब्राह्मण लग चुके हैं इसमें दूना होना है, 50% ब्राह्मण एसपी सिंह पटेल के साथ लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, सरलता से लोग जुड़ जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पंडित जी क्या कहना चाहेंगे? जी कहना क्या चाहते हैं, ये तो सभी को पता चल गया है कि एसपी पटेल चुनाव जीत रहे हैं, इनके साथ जांच से नहीं मतलब है, इनकी विद्वता, इनकी सरलता देख करके सभी ने मन बना लिया है कि इनको चुनाव जिताना है, दिल्ली भेजना है। जी बिल्कुल, यही स्वभाव लगातार एसपी लोकप्रिय बनाता चला आया है, उनकी लोकप्रियता आप देख पा रहे हैं कि जब वो कहीं पर मीटिंग सेमिनार में जाते हैं तो भीड़ लग जाती है, और उनके साथ में पूरे MLC कांति सिंह जी भी लगातार मेहनत कर रही हैं, तो इसका रिजल्ट मिलेगा 25 तारीख को। ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, और जब तक आप वोटिंग नहीं करेंगे तब तक आपकी कोई समस्या दूर नहीं होगी। कैमरामैन के साथ में हरकेश चौरसिया।